जनरल फिजिक्स कस्टमाइज से रिलेटेड फिजिक्स ने वीडियो लेकर आया, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मेन्यू बार के अंदर जो फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं, इनका अगर हमें साइज बड़ा करना है या कह सकते हैं छोटा करना है, या इसके लेटर स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है, या इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? कहाँ मिलता है मेन्यू बार की ये सेटिंग करने का फंक्शन? दोस्तों, यदि वर्डप्रेस के आप नए यूजर हैं और आपने अपनी साइट के अंदर जेनरेट फेस थीम इंस्टॉल की है और आप अपनी मेन्यू बार के या कह सकते हैं कैटेगरी के फॉन्ट बदलना चाहते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू फर्स्ट क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी एंड आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है एंड यहां पर मिलेगा आपको अपेयरेंस एंड यहां पर थीम ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको ब्लू कलर का कस्टमाइज बटन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कस्टमाइज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको केवल मेन्यू बार के ही टेक्स्ट पर काम करना है ना, उसके जो भी फॉन्ट है और जो भी साइज है उसका, जो भी इंक्रीज डिक्रीज और उसका जो भी लेटर है उसकी स्पेसिंग भी आपको डिफाइन करनी है और उसका फॉन्ट भी चेंज करना है, उसका स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ आएंगे टाइपोग्राफी पे, टाइपोग्राफी पे आने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एड टाइपोग्राफी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एड टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टारगेट एलिमेंट, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा मेन्यू, तो आपका जो भी प्राइमरी मेन्यू या प्राइवेट सब मेन्यू या प्राइवेट मोबाइल है तो वो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हमारा है प्राइमरी मेन्यू आइटम्स, हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको टारगेट एलिमेंट बनाते हैं, ठीक। तो अब जो भी आपका चेंजेस होगा वो इस मेन्यू बार पर ही होगा, ठीक। एंड यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो पहला है दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट साइज, आपको फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कितना आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, ये देखिए है ना, छोटा करना है तो छोटा भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको अपने फॉन्ट का टेक्स्ट का साइज कितना रखना है। फिर है लाइन हाइट, आप लाइन हाइट कैसा करना चाहते हैं फॉन्ट के जो बीच में उसकी, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा भी हो जाएगा, कम करना है कम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप अपने हिसाब से यहाँ कर लीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर लेटर स्पेसिंग, तो लेटर स्पेसिंग मतलब जो लेटर लिखे हुए हैं उस पर स्पेस कितना चाहिए यहाँ पर मेन्यू बार के टेक्स्ट में, ये देखिए जैसे ट्यूटोरियल में देखिए अब फिर चेंज होगा इसमें, चलिए हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, ये देखिए है ना, ये देखिए जो भी आपको लगे लेटर स्पेसिंग वो आप कर सकते हो अपने केवल मेन्यू बार टेक्स्ट की, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शन समझ लिए, अब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फॉन्ट में दोस्तों मैंने रिसेंट वीडियो में टाइम्स न्यू रोमन फेस्टिव का बताया, मैं एक फॉन्ट आपको ऐड करके बताया था, जब भी कोई फॉन्ट चाहिए तो इस तरह आप ऐड करेंगे और चेंजेस कर सकते हैं। ऐड फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और सर्च फॉन्ट पर जाएंगे, सर्च फॉन्ट पर कोई भी फॉन्ट आपको जो पसंद आए वो आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ यहाँ पर नोटेबल का फॉन्ट है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए फॉन्ट आ गए एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर तीन फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन फेस्टिव नोटेबल, तो नोटेबल मैंने यहाँ पर अभी ऐड किया है, बाकी के पहले किए थे। तो फिर आप नीचे जाएंगे तो फॉन्ट फैमिली में आपके ये फॉन्ट सभी शो हो जाएंगे, आपको इससे ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया नोटेबल फॉन्ट करते समय, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोटेबल करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट हो जाएगा, ये देखिए है ना। कुछ और चेंज करना है जैसे कि आपको करना है फेस्टिव तो फेस्टिव हो जाएगा, एंड यहाँ पर कुछ और चेंज करना है टाइम सेंड वो भी हो जाएगा, है ना। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कीजिए यहाँ पर, है ना। एंड जो भी करने के बाद आप पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, आपके मेन्यू बार के टेक्स्ट यहाँ पर चेंजेस हुए मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से आप मेन्यू बार के टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, उसके साइज को चेंज कर सकते हो, उसके स्टाइल और उसके लेटर स्पेसिंग वगैरह, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए माय चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।